विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस बार 150 फीट की जगह सिर्फ 50 फीट का रावण दहन किया गया। रावण दहन के दौरान पटाखों की आवाज के लिए डिजिटल आतिशबाजी की गई। इस मौके पर सीएम केजरीवाल भी मौजूद रहे। दिल्ली के द्वारका में रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। रावण दहन के लिए द्वारका में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए, तो कोरोना के नियमों का भी ख्याल रखा गया। विजयादशमी के दिन आगर मालवा में मनोकामना पूरी करने के लिए धधकते अंगारों पर चलने की परंपरा है। इन अंगारों पर बच्चों को अपने हाथों में लेकर आम लोग नंगे पैर दौड़ कर निकलते हैं। कुछ लोग इस मान्यता को अंधविश्वास से भी जोड़ते हैं। पंचकुला में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया, तो विशेष संदेश देने के लिए पंचकुला में कोरोना रूपी पुतले को भी जलाया गया। वहीं कालका, पिंजौरा, रायपुर रानी और बरवाला में भी दशानन दहन हुआ। बॉर्डर पर आज किसान मोर्चा के मंच के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक युवक की पहले जमकर पिटाई की गई और फिर बेरहमी से उसका हाथ काट कर शव बैरिकेड पर लटका दिया गया। अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंघू बॉर्डर पर हुए नृशंस हत्याकांड को लेकर मचे बवाल पर किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, इस घटना से किसान मोर्चे का कोई संबंध नहीं है। आरोपियों को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तालिबान राज में शिया मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब कंधार की सबसे बड़ी शिया मस्जिद के भीतर भीषण ब्लास्ट हुआ है। इस हमले में 26 से ज्यादा नमाजियों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गैर मुस्लिमों के टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों ने काउंटर टेरर ऑपरेशन तेज किया हुआ है। पिछले 6 दिनों में 6 मुठभेड़ों में 9 आतंकवादी मारे गए हैं। ज्येष्ठ कमांडर शमीम अहमद सोफी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। कश्मीर में अमन कायम करने की कवायद तेज की गई है। अब श्रीनगर की खानयार दरगाह से इमाम ने अमन का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और सिख पुरानी रवायत को जिंदा रखना चाहते हैं। इमाम ने आतंकी घटनाओं को इंसानियत के खिलाफ बताया।